हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार एवं सभी का आशी केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपना चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन, और उस वैद्युत रसायन में जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। टॉपिक है अपना वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, जैसे अपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपने जो चालक है तो चालक का अपने कहते दो प्रकार के, एक तो थे धात्विक चालक और नंबर दो थे अपना विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, तो चालक के दो प्रकार थे अपने धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। ये दोनों ही हैं ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक दोनों ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा आई, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई उस पर उत्पन्न वोल्टता, उस पर उत्पन्न वोल्टता यानी ई के समानुपाती होती है, यानी किसी चालक प्रवाहित विद्युत धारा उस पर उत्पन्न वोल्टता ई के समानुपाती होती है, यानी ई समानुपाती आई, ई समानुपाती आई या ई बराबर आर आई, ई बराबर आर आई, जहां आर एक समानुपाती, आर एक समानुपाती स्थिरांक है, आर एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। परंतु जो धात्विक चालक है उनमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है, धात्विक चालकों में प्रतिरोध का मान कैसा आता है, कम होता है। परंतु जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं, जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं उनमें जो चालकता होती है वो आयनों के कारण होती है, आयनों के कारण होने की वजह से इसमें प्रतिरोध का मान कैसा आता है, अधिक, प्रतिरोध का मान कैसा होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध का मान अधिक होने की वजह से इनमें जो वैद्युत अपघटनी चालक है इनमें चालकता के स्थान पर किसका महत्व दिया जाता है, चालकत्व, चालकता के स्थान पर किसको, किसका उपयोग किया जाता है, इनका चालकत्व को मापा जाता है, चालकत्व को पढ़ा जाता है। तो चालकत्व क्या होता है, तो प्रतिरोध का व्यतिक्रम, चालकत्व प्रतिरोध के व्यतिक्रम को, प्रतिरोध के व्यतिक्रम, प्रतिरोध के व्यतिक्रम को चालकत्व, प्रतिरोध के व्यतिक्रम को चालकत्व कहते हैं।
यानी प्रतिरोध का व्यतिक्रम क्या होता है, चालकत्व यानी विद्युत अपघटित चालकों में जो है चालकता स्थान पर किस महत्व दिया जाता है, चालकत्व। तो प्रतिरोध के व्यतिक्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, चालकत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। तो प्रतिरोध का व्यतिक्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर, सी बराबर वन अपॉन आर, ठीक। ये अपना क्या कहलाता है, चालकत्व। तो चालकत्व की इकाई, चालकत्व की इकाई, यानी ये चालकत्व इकाई अपने एग्जाम में आता है। चालकत्व की इकाई क्या होती है, अपने पास क्या रहा है, सी बराबर वन अपॉन आर, आर का मात्र क्या होता है ओम, सी बराबर वन अपॉन ओम, आर का मात्र क्या होता है अपना ओम, तो सी बराबर वन अपॉन ओम, तो क्या होता होगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या महो, ओम इनवर्स या ओम इनवर्स का दूसरा नाम क्या है, महो। तो चालकत्व की इकाई क्या होगी, ओम इनवर्स या महो, ठीक। इसकी एसआई इकाई, ऐसा इकाई होगी वो होगी इसका सीमेंस, क्या होगी सीमेंस, जिसे किसे प्रति करते एस, ठीक। तो ये तो थी अपना चालकत्व। तो प्रतिरोध का व्यतिक्रम क्या कहलाता है, चालकत्व, किसे प्रति करते से सी से। तो सी बराबर वन अपॉन आर, चालकत्व की इकाई क्या होती है, ओमिनोस या महो। ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चालकत्व की ऐसा इकाई होती है, तो चालकत्व की ऐसा इकाई होती है सीमेंस यानी एस, ठीक। तो यह तो था अपना आज का टॉपिक, वैद्युत अपघटन का चालकत्व। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।